पिछले तीन दिनों से दिल्ली जल रही है, हर तरफ आग ही आग है। इस हिंसा ने अब तक 18 लोगों की जान ले ली है, जिसमें एक हेड कांस्टेबल भी शामिल है। लेकिन तीन दिन के बाद दिल्ली पुलिस योगी सरकार के नक्शे कदम चल रही है। हिंसा प्रभावित इलाकों में पुलिस को अब दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस वही कर रही है जो योगी ने सीएए प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश में किया था। यूपी में जब सीए प्रदर्शन के दौरान जब हिंसा भड़की तो योगी सरकार और यूपी पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी से हालात पर काबू पाया था। हिंसा पर जल्द ही काबू पा लिया गया था। सीए के विरोध के नाम पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ, सहारनपुर, मेरठ, बाराबंकी, मुरादाबाद, अलीगढ़ जैसे शहरों में भी हिंसा हो चुकी है। लखनऊ और मेरठ में तो प्रदर्शनकारी सीधे सीधे पुलिस पर आक्रामक होते दिखे थे। कुछ तस्वीरें तो ऐसी आई जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये दुनिया के किसी हिंसाग्रस्त देश की है। ऐसे वक्त में जहां कुछ राजनेता उपद्रवियों से संयम बरतने की अपील कर रहे थे, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाया। सीएम योगी ने सीधे सीधे कहा कि वे विरोध करने की इजाजत देते हैं क्योंकि अधिकार हमारा संविधान देता है, लेकिन विरोध के नाम पर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों को वे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक सख्त प्रशासक के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस कर्मियों को खुली छूट दी कि वे उपद्रवियों से अपने हिसाब से निपटे। सीएम योगी ने दंगाइयों और दंगे के पीछे काम कर रही शक्तियों को कुचला। उसी का असर था कि 27 दिसंबर को जुमे के बाद प्रदेश के कई जिलों में हिंसा नहीं हो पाई। यूपी पुलिस के एक्शन पर योगी ने विधानसभा में जवाब दिया था। सीएम योगी ने कहा था कि सीए के खिलाफ उपद्रव के दौरान पुलिस की गोली से कोई नहीं मरा, जो मरे हैं वे उपद्रवियों की गोली से मरे हैं। उन्होंने कहा था अगर कोई व्यक्ति किसी निर्दोष को मारने के लिए निकला है और वो पुलिस की चपेट में आता है तो या तो पुलिस कर्मी मरे या फिर वो मरे। मुख्यमंत्री ने सीए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस कार्रवाई की तारीफ करते हुए कहा था कि अगर कोई मरने के लिए आ ही रहा है तो वो जिंदा कैसे बच जाएगा। सीएम योगी ने साफ तौर से कहा कि पुलिस उपद्रवियों की लिस्ट तैयार करेगी और उनकी संपत्तियों को बेचकर सरकार को हुए नुकसान की भरपाई करेगी। योगी के इस आदेश के बाद उपद्रव के आरोपियों की संपत्ति की कुर्की का दौर जारी है। इस कार्रवाई के बाद से उत्तर प्रदेश में विरोध के नाम पर हिंसा का दौर थम चुका है। उपद्रवी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से हिचक रहे हैं।